उदयपुर संभाग में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन यह एक राजसमंद जिले के लिए खुशखबरी है कि यहाँ कोरोना की जंग लगभग जीत की ओर बढ़ रहा है। चिकित्सा विभाग के साथ ही प्रशासन, पुलिस और सबका सकारात्मक सहयोग और यहाँ की जनता ने भी जिस तरह से सहयोग किया, उसी का परिणाम है कि राजसमंद अब कोरोना की जंग जीतने की ओर है। अब वर्तमान में सिर्फ हैं और इसी को लेकर किस तरह से 25 अप्रैल को पहला पॉजिटिव केस आया था और आज तक चिकित्सा विभाग द्वारा किस तरह से उन पर इलाज और त्वरित उपचार करते हुए किस तरह से विजय हासिल की, उस पर पूरी विस्तृत बात करेंगे हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी गुनकर से। सर, आपका जयवर्धन चैनल में स्वागत है। हम जिस तरह से अपने राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण पहले 25 अप्रैल से बढ़ा, उसके बाद एक साथ बीच में एक दिन 23 केस भी आए, तो लोगों में बड़ा डरावना वो भी स्थिति आई, कई सारे भ्रम भी फैले, लेकिन फिर भी चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने संहिता से किस तरह इस पर त्वरित कार्रवाई की और कैसे उपचार का प्रबंधन रहा, इस पर आप थोड़ा सा देखते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं राजसमंद की जनता का भी बहुत बहुत आभार जताना चाहता हूँ कि वो काफ़ी अनुशासित रहे और चिकित्सा विभाग और प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनकी कड़ाई से पालना की। श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के द्वारा जो क्वारंटीन साइट में है, जो मुंबई और गुजरात से जितने भी लोग आए उनको क्वारंटीन साइट पे इंस्टीट्यूशनल पे क्वारंटीन किया, वो हमारे लिए बहुत हितकर रहा। जो जितने प्रवासी लोग आए उनको सीधा काफ़ी सख्त निर्देश दिए श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाए। 24 अप्रैल तक हमारे जिले में, अपने राजसमंद जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था। 25 अप्रैल को जिले का पहला केस करौली खमनौर ब्लॉक ही का निकला, वो हम लोग ने काफ़ी उस टाइम पहला केस था, बहुत मेहनत करके RRT टीम द्वारा करौली स्कूल में वहाँ उसकी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, विजिट की और उसको कंटेनमेंट प्लान बना के और उसके सर्वे वगैरह कराया, उस केस को वहाँ रेफर कराया। उसके बाद में अब तक 169 केस अपने ज़िले में आए। अभी जिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो केस आए वो 18 से 24 मई वाला जो सप्ताह था उसमें 68 केस आए, और ये केस भी जो आना चालू हुई है 25 अप्रैल से वो माइग्रेंट जो प्रवासी लोग बाहर से आए थे, गुजरात और अहमदाबाद और या मुंबई से, उन लोगों में रमेश खटीक जो पहला केस था वो भी प्रवासी था। अब तक 169 केसेस में 148 केस माइग्रेंट के हैं जो प्रवासी हैं और वो क्वारंटीन साइट से ही निकले हैं और उनके कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं वो भी कुछ पॉजिटिव आए। इसके अलावा हमने जो सुपर स्प्रेडर थे उनके लिए उनमें उनका भी टेस्ट कराया। तो अभी तक जिले में 169 केस हैं हमारे और उनमें से 8 केस अभी एडमिट हैं अस्पताल और कोविड केयर सेंटर पे, लेकिन 4 केस ही एक्टिव हैं। 4 केस ऐसे हैं जो नेगेटिव तो हो चुके हैं लेकिन उनके अभी डिस्चार्ज की अवधि 10 दिन की नहीं हुई, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 4 केस एक्टिव हैं। और जिले के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आगे के लिए मैं ये निर्देश देना चाहता हूँ कि जो चिकित्सा विभाग और प्रशासन निर्देश दे, जैसे अभी अपने को मास्क लगा के बाहर जाना है, बिना मास्क नहीं जाना, सोशल डिस्टेंस अपने को मेंटेन करनी है, साबुन से बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और जब तक कोई बहुत जरूरी काम नहीं हो तो अनावश्यक भीड़ में नहीं जाएं। और पब्लिक को भी अपन, आप सब लोग एक बार अपने आसपास चेतना बनाएं और सरकार की तरफ से भी 21 जून से 30 जून तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें हमारी मेडिकल की टीम घर घर जाएगी, वो एक्टिव सर्विलेंस करेगी और इस कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करेगी। एक जैसे अपने देवगढ़ के डॉक्टर साहब भी पॉजिटिव आए, उसके अलावा कुछ नर्सिंग कर्मी और सहायक कर्मी भी आए, तो उनमें जब पॉजिटिव आए तो वो भी काफ़ी डर गए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी। जैसे डॉक्टर साहब का भी साक्षात्कार आया था उनमें, उन्होंने भी जो फर्स्ट टाइम में जो पॉजिटिव का जो डर उनमें आया, तो इस डर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आम जन की, राजसमंद जिले के लोगों को, इसको कितना मतलब ये घातक है या ठीक है, घातक तो है, अपने को क्या क्या तो अवेयरनेस रखनी है उसमें ताकि इसको तत्काल अपन उसको इम्प्रूव कर सकें।
डॉक्टर अनुराग का जो 24 मई को जो पॉजिटिव केस आया उसमें हमें एक बार लगा कि अस्पताल में चिकित्सा विभाग की तरफ से केस आया है और वो उन डॉक्टर साहब ने जो उनका आउटडोर का जो संख्या थी मरीजों को देखने की वो भी काफ़ी थी, 2000 के लगभग उन्होंने मरीज देखे थे और उनमें से हमने जो ओल्ड एज वाले जो 50 साल के जो ऊपर के थे उन सबको बुला के सैंपलिंग करवाई और जो हाई रिस्क ग्रुप वाली जो महिलाएं थी जो प्रेग्नेंट मदर थी उन सबका हमने सैंपल कराया और उन वो लोगों में भी कोई बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ, संक्रमण नहीं हुआ। तो मैं आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये इससे डरने की जरूरत नहीं है लेकिन सजग रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे ही अपने को कोई लक्षण दिख रहे हैं आप चिकित्सक को दिखाएं, इलाज लें, चिकित्सक यदि सैंपल लेने के लिए कहता है तो सैंपल लें और उसके बाद में भी यदि पॉजिटिव आ भी जाता है तो कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इलाज है। मेरे सारे जो 169 पेशेंट हैं उनमें से 168 पेशेंट मेरे ठीक हुए हैं। एक पेशेंट बडारडा का जो उसकी सूचना हमारे को मृत डेथ के बाद मिली थी तो बाकी और अपने जिले में कोई ऐसी कोई डेथ नहीं हुई है, सभी ठीक होकर अपने अपने घर चले गए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वेंटिलेटर पे जाने वाले की जरूरत कोई मुश्किल से 5% लोगों को पड़ती है, बाकी सब ठीक हो जाते हैं। अनावश्यक रूप से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सतर्क जरूर है। जैसे बडारडा में एक व्यक्ति की डेथ हुई तो वो भी अपन पूरी इस कोरोना की वजह ही थोड़ी मान सकते हैं। उसमें कोरोना में क्या है कि वो प्रवासी थे, वो भी महाराष्ट्र से आए थे और जैसे उसको उम्र ज़्यादा होने की वजह से हम क्वारंटीन में रखा था घर पे, लेकिन वो बीपी हाइपरटेंशन का डायबिटीज़ का रोगी था तो उसकी मृत्यु होने के बाद हमें सूचित किया गया तो मैंने तत्काल आरके अस्पताल से टीम भेजी, उनके बडारडा गांव में उनके परिवार के सैंपल लिए और वो जो डेड बॉडी थी उसका भी सैंपल लिया और वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो एक ये जरूरी नहीं कि वो कोरोना से ही डेथ हुई हो लेकिन वो पॉजिटिव आने से उसको कोरोना में काउंट किया गया है और उसके शुगर और बीपी की बीमारी थी तो हो सकता है वो उनकी वजह से भी उसकी मृत्यु हुई। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क और ये उपयोग करना है और किस तरह से मास्क का उपयोग करें ये थोड़ा सा आप समझाएंगे कि जैसे मास्क ये बांधा है जैसे कहीं बहुत सारे नीचे भी खींच देते हैं ऐसे बात कर रहे हैं ये करें तो वो कहाँ तक जहाँ तक मास्क का सवाल है तो मास्क आपका मुंह कवर नहीं रहता है और आप इसको यदि मास्क को लगा लेते हो और गले में लगाते हो तो वो कोई रोग से बचाता नहीं है। मेन इसका जो संक्रमण है वो ड्रॉपलेट से फैलता है, अपन किसी से बात कर रहे हैं और मुंह से जो ड्रॉपलेट गिरते हैं और वो ड्रॉपलेट सरफेस पे रहते हैं तो वो आगे दूसरा उन सरफेस को टच करता है, उनके कॉन्टेक्ट में आता है तो कोरोना के फैलने के संक्रमण का खतरा रहता है। तो आप मास्क का पूरा आपका मुंह कवर रहना चाहिए और इसको सही तरीके से लगाएं तो फायदा है, गले में लगाने से इसका कोई फायदा नहीं है। ढंग से इसको यूज करें और बाहर जाएं तो आवश्यक रूप से ही मास्क का प्रयोग करें। दिन भर में एक ही मास्क पर्याप्त है कि या जैसे बार बार उसने खोल लिया वापस पहना या गले में लटकाया वापस खोल लिया तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? ऐसे तो ट्रिपल लेयर जो मास्क जो है वो दिन में 6 घंटे के लिए पर्याप्त है, ज़्यादा आपको यदि काम पड़ता है तो आप 6 घंटे बाद में बदल भी सकते हैं लेकिन इसका प्रॉपर यूज करना जरूरी है। थैंक यू। साक्षात्कार के बाद आज कोरोना अपडेट की बात करें तो 20 मई रात तक 185 पॉजिटिव थे जबकि 165 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं जिन्हें अस्पताल व कोविड केयर सेंटरों से भी छुट्टी दी जा चुकी है। भीम कस्बे में सर्वाधिक केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है, 20 मई को सर्वाधिक 11 पॉजिटिव सामने आए थे। इस तरह अब राजसमंद जिले में सक्रिय पॉजिटिव 19 हो गए हैं। अब तक बडारडा में वृद्ध की हुई मौत को कोरोना के आंकड़ों में शामिल किया गया है।